उधर हिमाचल प्रदेश इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आलम यह है कि प्रदेश के कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन देने में भी सरकार को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वहीं से लेकर पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के संयोजक राजीव विशिष्ट से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूँ जीवन शर्मा। आज हम भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के संयोजक ऊना से राजीव विशिष्ट से बात करना चाहेंगे। राजीव जी, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। राजीव जी, हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको पेंशन सरकार ने खाते में डाल दी है? पहली बात है कि आज तक पहला जिंदगी में यह इतिहास देखा गया है, जो कर्मचारियों को पहली को पेंशन पड़ती थी, वो सातवें कर्मचारियों को पहली को वेतन मिलता था। ऐसी पहली बार जिंदगी में देखा है कि कर्मचारियों को आज पेंशन से निकाम होना पड़ा है और ना ही पेंशन मिली है। उसके बाद ये कहना चाहता हूँ, ये भाजपा के समय में कोरोना काल भी हुआ, बहुत सी आफतें आई, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कर्मचारियों को पहली को पेंशन नहीं मिली हो, रिटायरियों को पेंशन ना मिली हो। ये पहला इतिहास कांग्रेस के समय में देखा गया है। इसमें कर्मचारियों में काफ़ी रोष पाया जा रहा है। या तो सरकार ऐसी गंदी सरकार आई है जिन्होंने कर्मचारियों को जो वायदे किए थे वो कोई भी पूरा नहीं किया है। जैसे कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 2016 से अपने नए वेतन मांग के स्केल भी दे दिए हैं, उनके एरियर भी दे दिए हैं, तथा कि महंगाई भत्ते की किस्त जो 50% कर्मचारियों की बनती थी वो भी केंद्र सरकार ने दे दी है। ये मानना हिमाचल का है जी कि जो महंगाई भत्ते केंद्र सरकार देती थी जी, वो हिमाचल सरकार तुरंत अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त तुरंत जारी करती थी जी, परंतु आज इतनी निकम्मी सरकार आई है जी कि अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त नहीं दे पाई है जी। उसके बाद जो 2016 का वेतन मान था जी, उसका स्केल का एरियर्स और रिवाइज लिविंग कैचमेंट, जहाँ तक कर्मचारियों को जो गरीब आदमी है उनको चिकित्सा बिलों का भी भुगतान नहीं हो रहा है। सर देखा जाए, एक तरफ कर्मचारी जो है 2016 से डीए और एडीए के लिए तरस रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनको सैलरी के लाने पड़ रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? मेरा क्या मानना है कि जो ऐसी सरकार है जो कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही है जी और पेंशन को पेंशन नहीं दे रही है, ऐसी सरकार को अपनी गद्दी छोड़कर चले जाना चाहिए जी। क्यों? ताकि कर्मचारियों को और सरकार आए, जैसे कि भाजपा सरकार में समय समय पर कर्मचारियों को पहली तरीक को पेंशन मिलती थी और कर्मचारियों को सैलरी मिलती थी। ऐसा मैं गंदी सरकार पहली बार देखी है हिमाचल में। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व पेंशन राजीव विशिष्ट जी। जुड़े रहिए इंडियन न्यूज़।